Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you all to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक. और आज का टॉपिक है सेकेंड चैप्टर, यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. इसका ये लेक्चर नंबर है 19 और टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन सब्ट्रैक्शन, दैट इज इन डिफरेंस ऑफ टू मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज. देखिए, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रूम, तो उसके लिए जो हमारा एम है वो किसको कैलकुलेट करना है, डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रूम. लेकिन मैं उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता. ऐसा करने के लिए मुझे उसकी लेंथ मापनी पड़ेगी कमरे की, ब्रेथ मापनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल स्केल. वो स्केल कौन सी मैं चूज़ करूँगा, वो डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है. उसके हिसाब से मैं एक अच्छी सी स्केल चूज़ करके लेंथ भी मापूँगा, ब्रेथ भी मापूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली उनको मापूँ, यानी कि उनमें एरर बहुत कम करूँ. लेकिन जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि टू एर इज़ ह्यूमन, ये हो ही नहीं सकता कभी भी. कोई भी साइंटिस्ट ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसकी जो मेजरमेंट है दैट इज़ 100% करेक्ट, कि उसमें कोई एरर नहीं है, बिकॉज देर कैन बी मैनी कॉजेज ऑफ एरर्स. तो थोड़ी बहुत एरर हम लेंथ मापने में कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एरर हम ब्रेथ मापने में कर सकते हैं, और जब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो नेचुरली उसमें भी थोड़ी बहुत एरर आ जाएगी. इसका मतलब क्या है कि वो जो लेंथ और ब्रेथ में हमने एरर की, वो प्रोपेगेट होके, कंबाइन होके जब डिफरेंस निकाला दोनों का, जो कि हमारा एम है, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट. क्या है फाइनल रिजल्ट? डिफरेंस ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ. तो जो डिफरेंस हम निकालेंगे उसमें वो एरर दोनों जो हैं लेंथ और ब्रेथ की, वो आपस में कंबाइन करके प्रोपेगेट होके कितनी एरर में कन्वर्ट हो जाएंगी. दैट इज़ व्हाट डू वी मीन बाय प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स. तो मान लो मैं लेंथ का नाम ए रख देता हूँ, ब्रेथ का नाम बी रख देता हूँ, जहाँ मैं इन जनरल कहता हूँ कि वी हैव टू मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी और हमने उनका निकालना डिफरेंस. तो हम कहते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, लेट एक्स इक्वल टू ए माइनस बी. इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर वन. मापना किसको है मैंने? ए को. और किसको मापना है? बी को. कैलकुलेट कर किसको करना है? एक्स को. इसको मैंने कैलकुलेट करना है, ए और बी को मापना है. सो लेट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, इन द मेजरमेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए. एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी. एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि हमने एक्स को मेजर नहीं किया, उसको कैलकुलेट किया है, इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स. इसका क्या मतलब है कि ए की जो वैल्यू मैंने मेजर करी वो ए से या तो डेल्टा ए ज़्यादा है या डेल्टा ए कम है, यानी कि वो मापी जो मैंने वैल्यू वो आइदर इट कैन बी ए माइनस डेल्टा ए और इट कैन बी ए प्लस डेल्टा ए. दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लस माइनस साइन. इस तरह जो बी की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू उसकी बी है, लेकिन मैंने मेजर करी आइदर बी माइनस डेल्टा बी और बी प्लस डेल्टा बी. और क्योंकि एक्स जो कैलकुलेट करना है वो ए और बी का डिफरेंस है, अगर ए में एरर है बी में एरर है, तो जो एक्स मैं कैलकुलेट करूंगा उसमें भी एरर हो जाएगी, प्रोपेगेट करके एरर पहुंच जाएगी, और वो कितनी हो गई? प्लस माइनस डेल्टा एक्स. इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी, इट कैन बी आइदर एक्स माइनस डेल्टा एक्स और इट कैन बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स. So here I will write, therefore from equation 1 we have x ki jagah kya aa jayega, plus minus delta x equal to a
प्लस माइनस डेल्टा ए, एक जगह क्या आ गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, आगे माइनस साइन है तो माइनस, और बी की जगह क्या आ गया बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्योंकि मैंने ए की जगह क्या माप लिया आइदर ए प्लस डेल्टा ए और ए माइनस डेल्टा ए, और बी की जगह क्या माप लिया आइदर बी प्लस डेल्टा बी और बी माइनस डेल्टा बी, तो इसलिए एक्स भी गलत हो गया, कितना गलत हुआ प्लस माइनस डेल्टा एक्स, सो दैट इज वाई आई राइट हियर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंस्टेड ऑफ एक्स, और यू कैन से दैट, अब देखिए इसको कैसे आ जाएगा ये, और लेट अस सिंप्लीफाई दिस, और लेफ्ट साइड पे तो आ गया एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और राइट साइड पे क्या आ गया ए, और ये माइनस बी यहां से ले लो, ऐसे लिख लो इनको ब्रैकेट में, और यहां पे बचा प्लस माइनस डेल्टा ए, और देखिए यहां पे क्योंकि ये माइनस साइन था तो माइनस बी आ गया यहां पे, आगे क्या है यहां पे माइनस है, अगर मैं यहां प्लस साइन लूं तो माइनस प्लस विल बिकम माइनस, और अगर माइनस साइन लूं तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो आई कैन राइट हियर माइनस प्लस डेल्टा बी। नाउ व्हाट इज ए माइनस बी, दिस ए माइनस बी इज, हैव ए लुक एट इक्वेशन वन, ये देखिए ए माइनस बी इज एक्स, सो और आई कैन राइट एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसको भी बेटा ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऊपर लिखूं प्लस या माइनस, उससे कोई फर्क नहीं, तो आई कैन राइट हियर प्लस माइनस डेल्टा बी, और यहां मैं लिख देता हूं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इस बच्चे ने ये इक्वेशन यूज की है इन राइटिंग ए माइनस बी इक्वल टू एक्स, सो बिकॉज ए माइनस बी इक्वल टू एक्स, और यू कैन से दैट दिस एक्स गोज विद दिस एक्स एंड आई एम लेफ्ट विद और प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड देयर फोर एब्सोल्यूट एरर इन एक्स दैट इज डेल्टा एक्स, अब साइन छोड़ देता हूं मैं, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर, इट इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सो इसका मतलब क्या बना बेटा ये कि जब जो हमने कैलकुलेट करनी है क्वांटिटी वो दो क्वांटिटीज का डिफरेंस हो, यहां पे माइनस साइन हो, तो भी जो एरर आएगी इसमें कैलकुलेटेड क्वांटिटी में दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एरर्स इन द टू मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और इससे पहले वीडियो में मैंने प्रूव किया था कि अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो भी डेल्टा एक्स आता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और अब हमने देखा कि अगर माइनस साइन भी है तो भी यहाँ पे आता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सो कीप इन माइंड, ये कॉशन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बच्चे ये समझ आते हैं कि अगर यहां पे माइनस साइन है तो डेल्टा एक्स आएगा डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, लेकिन वो गलत है, चाहे यहां पे प्लस साइन हो चाहे माइनस साइन हो, तो मैं लिख देता हूं देयर फोर इन जनरल, इन जनरल ये आपने याद रखना है, इन जनरल इफ एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, चाहे प्लस चाहे माइनस कॉमा, देन डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सो चाहे यहां पे प्लस साइन है चाहे माइनस साइन है, जो एरर आएगी वो सम आ जाएगी, और इसको ऐसे करके बॉक्स में डाल लो और अच्छी तरह बेटा जिसको याद कर लो, बिकॉज दिस इज वेरी हेल्पफुल इन न्यूमेरिकल्स, एक्चुअली ये देखने में लगता है कि बहुत आसान चीज़ है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते, सिंपल हैं, कुछ भी नहीं है, जिस बच्चे को ये चीज़ें समझ आ गई उसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी इनको अच्छी तरह आपने समझना है, सो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो मान लो आपके पास दो बॉडीज हैं, एग्जाम्पल Suppose you have two bodies. A की temperature है T1 equal to, you can take any value. This is equal to 20 degree C plus minus 0.5 degree C. और दूसरी body की temperature higher है इससे, that is 50
degree C plus minus 0.5 degree C. And the question is, find the difference between the temperatures of the two bodies with proper error limits. So I repeat the question. There are two bodies whose temperatures are T1 equal to this, T2 equal to this. Find the difference of temperatures of the two bodies with proper error limits. तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन हियर T1 इक्वल टू दिस एंड T2 इक्वल टू दिस. ये है T1 प्लस माइनस डेल्टा T1 और ये है T2 प्लस माइनस डेल्टा T2. सो देयरफॉर यू कैन से दैट T1 इक्वल टू 20 डिग्री C, ये उसकी ट्रू वैल्यू है, और डेल्टा T1 इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 डिग्री C, 0.5 डिग्री C. मैंने कंपेयर किया, इसको T1 लिखा, इसको डेल्टा T1 लिखा, प्लस माइनस डेल्टा T1, T2 प्लस माइनस डेल्टा T2, और T2 कितना आ गया, एंड T2 इक्वल टू 50 डिग्री C, और डेल्टा T2 इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 डिग्री C. देयरफॉर T2 माइनस T1, जो कि डिफरेंस है, T2 माइनस T1 इक्वल टू, ये वैल्यूज पुट करो, 50 डिग्री C माइनस 20 डिग्री C इक्वल टू 30 डिग्री C. अब हम निकालेंगे डेल्टा T, इसका नाम अगर मैं T रख लूं तो T इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू दिस. डेल्टा T, आप देखिए ये डिफरेंस है दो का, T1 और T का, और अभी मैंने आपको जो बताया है कि चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, जो एरर है वो हमेशा ऐड होती हैं. तो डेल्टा T इक्वल टू वो आ जाएगा डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T1, डेल्टा T1 दिस इज इक्वल टू, नाउ डेल्टा T2 इज 0.5, ऑफ कोर्स प्लस माइनस, यू कैन राइट हियर प्लस माइनस 0.5 डिग्री C, और यहां भी आप लिख सकते हो प्लस माइनस 0.5 डिग्री C, बिकॉज डेल्टा T1 इज आल्सो प्लस माइनस 0.5 डिग्री C एंड डेल्टा 2 इज आल्सो प्लस माइनस 0.5 डिग्री C. अगर यहां पे डिफरेंट को वैल्यू हो तो वो भी लिख देंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये बन गया इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिग्री C. देयरफॉर अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज, डिफरेंस इन द temperatures of the two bodies, in the temperatures of the two bodies, temperatures of the two bodies equal to delta T plus minus delta T equal to, what is T? T is 30, 50 minus 20 जो मैंने यहाँ पे किया तो आ गया 30 degree C, और प्लस माइनस डेल्टा टी दैट इज 1 डिग्री सी. सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो वी हैव फाउंड द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज विद प्रॉपर एरर लिमिट्स. दैट मीन्स द डिफरेंस कैन बी आइदर 30 डिग्री सी प्लस 1 डिग्री सी दैट इज 31 डिग्री सी, और इट कैन बी 30 डिग्री सी माइनस 1 डिग्री सी दैट इज 29 डिग्री सी. सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब देखो अगर आप इसमें वो परसेंट एरर क्या कितनी आएगी तो आ जाएगी डेल्टा टी ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई 100. नो व्हाट इज डेल्टा टी, 1, व्हाट इज टी, 30, तो 1 बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो हम परसेंट एरर भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे उसने क्योंकि सिर्फ हमें ये पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज विद प्रॉपर एरर लिमिट्स, तो वो हमने निकाल दी. But we can find the percent error also, the percent difference also. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice time.